बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फोटो शेयर की और ये बड़ा दावा किया, कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे विभव कुमार, आपने किया था एक्शन लेने का दावा। केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा शीश महल बन चुका है अपराध महल, स्वाति मालीवाल पर हमला कराने वाले केजरीवाल ही थे, मालीवाल पर डाला जा रहा है दबाव। चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर, वो और कोई नहीं वो केजरीवाल ही थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम की पाकिस्तान की आतंकी साजिश, पुलिस ने जारी किए आतंकियों के स्केच, उधमपुर में सक्रिय हैं 12 से 15 आतंकी। और कुछ जो इनपुट्स हमारे पास आए उनके आधार के ऊपर, मतलब अभी तक ये लगता है कि 12 से 15 के करीब लोग आए हैं, हमने उन्हीं इनपुट्स के आधार पे कुछ स्केचेस हमने बनाए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा बीजेपी ने देश की बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी रोकने में बीजेपी विफल रही है, गरीबों को राशन देने को भी बीजेपी एंड कंपनी चुनाव में बुराने पर तुली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मुंबई में किया रोड शो, रोड शो में उमड़ी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़, प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत, पीएम के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे साथ में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला, कहा नकली शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के हर सपने को चकनाचूर कर दिया, 4 जून को इनकी विदाई तय है। गृहमंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर जमकर किया प्रहार, कहा 2029 तक मोदी जी ही रहेंगे प्रधानमंत्री, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का फैसला सामान्य नहीं, फैसला देना कोर्ट का अधिकार। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा अब कश्मीर नहीं पीओके में लग रहे आजादी के नारे, पीओके भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजनाथ सिंह ने आरक्षण को लेकर विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा हमारी सरकार के बारे में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, हम किसी भी सूरत में आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे, भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे। बहनों भाइयों, हमारा भारत का संविधान किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत देता ही नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी में रोड शो किया, बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में वोट मांगे, इस दौरान कहा झांसी की बनी तोपे जब बॉर्डर पर गरजती है तो पाकिस्तान की पैंट गीली हो जाती है। अब तो यहाँ पर ऐसी तोपे बन रही है जब वह बॉर्डर पर गड़गड़ाती है ना तो पाकिस्तान के अंदर उनकी पैंटे भी गीली हो जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ध्रुवीकरण वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव तो रामद्रोही और राम भक्तों के बीच हो रहा है, इस महाभारत में बीजेपी के सारथी बनकर दुर्योधनों से लड़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के सारण में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा, कहा सत्ता का सपना वो कहां से देख रहे हैं, परिवार को जिताने के लिए माता पिता और भाई लगे हुए। सैनिकों के अपमान को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की शिकायत की, विदेश मंत्रालय जयशंकर बोले सेना के खिलाफ हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त, चुनाव आयोग करे कार्रवाई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने स्मृति ईरानी पर साधा निशाना, कहा स्मृति ईरानी से अमेठी की जनता नाराज है, हार देखकर स्मृति संतुलित भाषा में नहीं बोल पा रही। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान के बाद अब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने गृहमंत्री अमित शाह से की है मुलाकात, श्रीकला रेड्डी ने अमित शाह से हुई इस मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। जेल से जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल, पहली बार यूपी पहुंचे, अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ करेंगे प्रेस वार्ता।
चरणजीत सिंह चन्नी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में शामिल है और केवल 15 दिनों के लिए जेल से बाहर हैं। जैसे दिल्ली में बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ, वैसे ही पंजाब में भी हुआ है। हम इसकी जांच की मांग करते हैं। केजरीवाल पर चन्नी के आरोपों को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा। जिन लोगों ने दिल्ली में निकाह फरमाया है वो पंजाब में जाके तीन तलाक में तब्दील हो जाता है। दिल्ली में एक दूसरे से दोस्ती करते और पंजाब में जाके अलग हो जाते हैं। झारखंड के अशकांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद ईडी ने की गिरफ्तारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर कहा, एक आलम आलमगीर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके जैसे कई और लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल की 4 लोकसभा सीटों पर भरेंगे हुंकार। लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह से 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर। आज शाम 6 बजे के करीब श्रीनगर पहुंचेंगे। चुनाव तैयारियों को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। सीतामढ़ी और मधुबनी में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सीतामढ़ी से जेडीयू के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा आज ओडिशा में करेंगे तूफानी प्रचार। रोड शो समेत 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भुवनेश्वर में सुबह 10 बजे रोड शो करेंगे, उसके बाद लिंगराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। तो वहीं दोपहर में बारागढ़ और सुंदरगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। कौशाम्बी, हमीरपुर और फतेहपुर लोकसभा सीट पर चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। सिक्किम राज्य दिवस की बधाई दी। लिखा, मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और अपार संभावनाओं के साथ एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ रही महिलाएं। पहाड़ी इलाकों में गरीब महिलाओं ने देसी पोल्ट्री फार्म, बुटीक और दुकान जैसे कई व्यवसाय समूह की शुरुआत की। यूपी के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। लोगों से करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हुआ जख्मी। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश के कब्जे से बाइक, अवैध असला, कारतूस भी किए गए बरामद। यूपी के बदायूं में बड़े सरकार के दरगाह परिसर में महिलाओं से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 3 महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राहत को गिरफ्तार किया। एक युवती से दुष्कर्म करने का वीडियो भी वायरल हुआ। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में पत्नी से झगड़ा कर रहे दबंगों को रोकना युवक को पड़ा भारी। दबंगों ने युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से जमकर की पिटाई। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के बुलंदशहर में किसान से रिश्वत लेते अमीन का वीडियो हुआ वायरल। आरसी कटवाने के नाम पर किसान से 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। पीड़ित किसान ने शिकारपुर की SDM को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। असम के ढेकिया जुली में सूर्य मंदिर में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। बीती रात चोरों ने मंदिर के अंदर दान पात्र को तोड़कर और उसमें रखी नकदी लेकर हो गए फरार। चोरी की वारदात वहां लगी CCTV में हुई रिकॉर्ड। यूपी के बदायूं में ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के शक में पति ने भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या को दिया अंजाम। हत्या के बाद गंग नहर में फेंका शव। हत्यारे पति और देवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में शेयर ट्रेडिंग ठगी का भंडाफोड़। विदेश में बैठे लोगों के साथ मिलकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर कर रहे थे ठगी। साइबर टीम पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में 8 महीने के बच्चे के अपहरण का पुलिस ने किया खुलासा। शादी रचाने के लिए प्रेमी युगल ने 2 दिन पहले 8 महीने के मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया था। मासूम को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने प्रेमी युगल को धर दबोचा। बड़ी खबर, अमानतुल्ला खान के घर पहुंची है पुलिस। दिल्ली और नोएडा पुलिस घर पहुंची है। पेट्रोल